बागेश्वर धाम सरकार के होने वाले कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देने के लिए रखी गई है। मेरा नाम रवि गुप्ता है और आज यहाँ मुख्य आयोजन समिति के सदस्य श्री नीलकमल गुप्ता जी, श्री संदीप गोयल जी, श्री श्वेत गोयल जी, श्री आशीष गोयल जी और श्री प्रवीण गुप्ता जी आप सभी के बीच कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। साथियों, हम सभी सनातनियों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि सनातन की अलग जगाने वाले परम पूज्य गुरुदेव श्री बागेश्वर धाम सरकार आगामी सप्ताह में दिल्ली पधार रहे हैं और दिनांक 5 से 8 जुलाई को 4 दिवसीय कार्यक्रम उनका दिल्ली के रामलीला उत्सव ग्राउंड आईपी एक्सटेंशन पूर्वी दिल्ली में होने जा रहा है। साथियों, 5 से 8 जुलाई 4 दिवसीय कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी हम आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं। प्रथम दिवस जो 5 जुलाई को कार्यक्रम रहेगा, उसमें भव्य और दिव्य कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस कलश यात्रा के बारे में अगर मैं आपके साथ साझा करूं तो लगभग 5100 से अधिक महिलाएं इसमें कलश लेने जा रही हैं और ये कलश यात्रा पूर्वी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन निकट मंडावली थाने से शुरू होगी, जहां के एक बड़े ग्राउंड में, रामलीला ग्राउंड में हम सभी एकत्रित होंगे और वहां से लगभग 1100 मीटर का सफर तय करते हुए ये कलश यात्रा कथा स्थल तक पहुंचेगी। इस कलश यात्रा का रूट जो शुरू होगा वो इंजीनियर अपार्टमेंट, आईपी एक्सटेंशन का इंजीनियर अपार्टमेंट है, इंजीनियर अपार्टमेंट से पूजन करने के बाद विधिवत शुरू होगा। इंजीनियर अपार्टमेंट से शुरू करने के बाद ये कलश यात्रा शुभम अपार्टमेंट को होते हुए और उसके बाद अग्रसेन अपार्टमेंट, अग्रसेन आवास के नाम से जो जाना जाता है, अग्रसेन आवास के साथ होते हुए कथा स्थल पर पहुंचेगी। लगभग ऐसा माना जा रहा है कि 3 घंटे का ये कलश यात्रा का सफर हमारा होगा। इसको और भव्य और दिव्य बनाने के लिए दिल्ली के 5 मशहूर बड़े बैंड नपीली ताशे, ढोल बाजे और बड़े बड़े इसमें झांकियां कलश यात्रा के साथ सम्मिलित होने जा रही हैं। साथियों, 5 तारीख को शाम 4 बजे, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ बताया कि 5 तारीख को शाम 4 बजे आईपी एक्सटेंशन के मंडावली थाने के साथ में जो ग्राउंड है वहां से ये कलश यात्रा शुरू की जाएगी। 5 के बाद जब हम बात करते हैं अगले 3 दिनों की, 6, 7 और 8 जुलाई, 6, 7 और 8 जुलाई को परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में उनके मुखारविंद से इस कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा और प्रातः 8 बजे से 6, 7 और 8 तीन दिन 21 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। ये 21 कुंडीय यज्ञ प्रातः 8 बजे से शुरू किए जाएंगे और चारों वेदों की ज्ञाता प्रखंड पंडित मिलकर गुरुकुल से जो विशेष तौर पर दिल्ली में पधार रहे हैं उनके इस महायज्ञ के संपूर्ण करने के लिए उनके द्वारा इसमें अग्नि दी जाएगी। इस 21 कुंडीय यज्ञ की अगर हम बात करें तो इस 21 कुंडीय यज्ञ में अनेकों गुरुकुलों से, जैसा कि आपको बताया, प्रखंड और विद्वान पंडित इसमें रहेंगे और ये प्रातः 8 बजे से 6, 7 और 8 तीनों दिन ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। जहां तक बात कार्यक्रम की कथा की है, परम पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से होने वाली हनुमत कथा, उसका जो समय है वो रोज शाम 4 बजे से शुरू की जाएगी। रोज शाम को 4 बजे से परम पूज्य गुरुदेव की उपस्थिति में, उनके सानिध्य से, उनके मुखारविंद से इस कथा का आयोजन किया जाएगा।
साथियों, कार्यक्रम में और जितनी जानकारियां हैं उसको लेकर हमारे साथ आयोजन समिति के और सदस्य मौजूद हैं। कार्यक्रम की अलग अलग रूप में विस्तृत जानकारी देने के लिए मेरे साथ मेरे और साथी मौजूद हैं। मैं निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम की बाकी जानकारी आप लोगों के साथ हम साझा करें। हमारी कोर टीम के सदस्य श्री नीलकमल कुलकर्णी बाकी जानकारी देंगे, जिसमें टेंट, हमारी सिटिंग कैपेसिटी का क्या प्रोविजन हमने किया उसके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे नीलकमल। नमस्कार बंधुओं, जैसे कि अभी रवि गुप्ता जी ने 4 दिवसीय कार्यक्रम की आपको विस्तृत जानकारी दी, अब इसका कार्यक्रम तो होना निश्चित है, होने जा रहा है। इसके लिए व्यवस्थाओं की जरूरत होती है, जिसके लिए प्रथम रूप से हमने एक विशाल और स्पेशल टेंट का वहां पर आयोजन करा है, जिसका एरिया अंदाजा 1.25 लाख स्क्वायर फुट होगा, जिसमें आने वाले श्रद्धालु वहां पर पूरा मौसम को और इस समय की व्यवस्था के वहां पर बैठकर पूरे सुंदर तरह से आराम से गुरु जी का जो प्रवचन होने जा रहा है उसका श्रवण ध्यान से कर सके। उसके लिए वहां पर सिटिंग के लिए हमने गद्दों की व्यवस्था करी है। गद्दों के अलावा उसमें कूलर, पंखे, मौसम को देखते हुए पानी की व्यवस्था पूर्ण रूप से करी गई है। इस सब के अलावा वहां पर टॉयलेट्स, जो कि एक आम जनमानस के लिए एक जरूरी जरूरत की चीज है, उसके लिए हमने सरकारी और प्राइवेट इंतजाम टॉयलेट के करे हैं। उसकी सफाई व्यवस्था की पूर्ण जानकारी वहां पर जो मैं दूंगा आपको, तो कर्मचारियों की व्यवस्था भी अच्छी खासी करी गई है। इसके अलावा लाइट, उस भव्य पंडाल को किस तरह लाइट से सजाया जाए और जो लोग गुरु जी के प्रवचन का श्रवण करने के लिए वहां बैठेंगे उनको विजिबिलिटी गुरु जी की आसान हो जाए, इसके लिए हमने काफी एलईडी का इंतजाम भी वहां पर करा है, जिसके माध्यम से सभी लोग, आने वाले हजारों की संख्या में आने वाले लोग उसका श्रवण बहुत ध्यान से कर सके। धन्यवाद। इस प्रकार से हमने साइनेजिस का इस्तेमाल किया है पूरे कथास्थल के आसपास की जगहों पर, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। नमस्कार बंधुओं, मार्गों और सड़कों पर हमने साइनेजिस की योजनाबद्ध तरीके से इंतजाम कर रखा है, ताकि वहां पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को हम सूचना, आवश्यक सूचना और निर्देश उसके माध्यम से जारी कर सके, और साइनेजेस के माध्यम से हम यातायात और पार्किंग स्थलों पर जाने के लिए भी और तरीके से, ताकि श्रद्धालु हमारे कथा स्थल पर आ सके, उसका हमने पूरा योजनाबद्ध तरीके से इंतजाम कर रखा है। आगे की जानकारी श्री जी। आगे की जानकारी है पार्किंग से रिलेटेड, वॉलंटियर से रिलेटेड, क्या क्या तरीका है पहुंचने का, ट्रैफिक को कैसे मैनेज किया, हमारी कोर टीम के सदस्य प्रवीण। नमस्कार, सर्वप्रथम मैं आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि कार्यक्रम में पधारने वाले सभी श्रद्धालुगण ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें कार्यक्रम स्थल तक पहुँचने के लिए, ताकि सड़कों पर वाहन का दबाव कम रह सके व ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रह सके। इसके निमित्त हमारे द्वारा दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन व दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पत्राचार भी किया जा रहा है, ताकि कार्यक्रम के दिनों में, यानी कि 5 से 8 जुलाई के समय में, कार्यक्रम स्थल के नज़दीकी मेट्रो स्टेशन व बस स्टॉप्स पर बसों व मेट्रो की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाया जा सके, जिससे कि अधिक से अधिक श्रद्धालु पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हुए कार्यक्रम स्थल तक पहुँच सके। फिर भी कोई श्रद्धालु, हमारे वृद्धगण,
दिव्यांगजन या किसी को शारीरिक कोई समस्या हो या किसी अन्य कारण से कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ना करते हुए अपने निजी वाहन से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए कार्यक्रम स्थल के नज़दीक में ही पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम स्थल में सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए लगभग 1000 से अधिक की संख्या में डेडिकेटेड वॉलंटियर्स की एक टीम बनाई गई है जो कि वहां की सभी व्यवस्थाओं को देखेगी। कार्यक्रम स्थल की एंट्री एग्जिट्स की व्यवस्था सुचारू रूप से कर दी गई है, लगभग चारों दिशाओं से पर्याप्त एंट्री व एग्जिट की व्यवस्था की गई है। फायर सेफ्टी को देखते हुए दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हुए जो भी जरूरी इंतजाम उनके द्वारा कहे गए हैं वह सभी किए जा रहे हैं। आगे की जानकारी के लिए इसमें एक चीज और ऐड करना चाहेंगे कि हमारे निकटतम जो रेलवे स्टेशन है वो आनंद विहार रेलवे स्टेशन है। सभी श्रद्धालुओं से हमारा निवेदन है कि सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें और निकटतम बस स्टेशन ISBT आनंद विहार ISBT और एक हसनपुर डिपो भी है, तो अगर सार्वजनिक वाहन से आए तो वहां तक आएंगे सार्वजनिक वाहन से तो काफी सुविधा रहेगी इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने की। आगे की जानकारी देंगे हमारी कोर टीम के सदस्य आशीष गोयल जी। हमने वहां पर CCTV कैमरास का क्या प्रोविजन किया है, उसके अलावा प्राथमिक जांच सुविधाएं और एम्बुलेंस का क्या प्रोविजन है, मैं आशीष जी से निवेदन करूंगा कृपया जानकारी दें। जैसे कि मेरे पहले के साथियों ने आपको बताया कि एक भव्य कथा का हम लोग आयोजन कर रहे हैं 5 से 8 जुलाई के बीच में, तो इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि CCTV सर्वेलेंस हमारी आयोजक टीम के द्वारा 300 कैमरों की चारों तरफ से करी गई है। साथ में जो सिक्योरिटी एजेंसीज है और प्रशासन है उन्होंने भी अपने कैमरे लगाए हैं ताकि हम पल पल की जानकारी और हर हरकत पर नजर रख सकें। इस कैमरों को हमने एक कंट्रोल रूम बनाया है जिसमें हमारे वॉलंटियर सिक्योरिटी एजेंसी और प्रशासन के कुछ आदमी बैठे हैं जिसको 24 घंटे मॉनिटरिंग करेंगे ताकि कोई भी अप्रिय घटना को हम रोक सके। उसके बाद बात आती है प्राथमिक जांच या फर्स्ट एड की हम बात करें तो उसके लिए हमारे दिल्ली सरकार की तरफ से सहयोग मिला है और वहाँ पर 24/7 हमारा डॉक्टर और उनके वॉलंटियर्स की टीम रहेगी, जिसको भी प्राथमिक जांच की जरूरत होगी हम उसे वहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। साथ ही मैं आपको बता दूँ मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज, दीप कैलाश हॉस्पिटल और मेट्रो हॉस्पिटल PGR इन्होंने भी आगे आगे हमें अपना सहयोग दिया है और बाकी और भी कई अन्य हॉस्पिटल हैं जो हमारे इस समय संपर्क में हैं हमारे से आगे उन्होंने अपना हाथ बढ़ा रखा है और बाकी जो भी जानकारी है इस प्रोग्राम की आगे मैं श्वेत भाई से निवेदन करूंगा आप लोगों के साथ साझा करें। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी हमारी टीम की तरफ से ऑलमोस्ट सब जानकारी दे दी गई है, आप लोगों का कोई सवाल हो चाहेंगे कि ऐसे कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति जरूर हो तो जहां तक उनसे कुछ ऐसा संपर्क करना या उनकी अगर उपस्थिति होती है तो हम हृदय से अभिनंदन करते हैं उन सभी का। तो जहां तक VIP का सवाल है वो सभी VIP हैं हमारे। सर एक क्वेश्चन, पागल शब्द का प्रयोग करने के पीछे क्या आशय है आपका? सॉरी, पागल शब्द यूज किया आपने? देखिए क्या होता है कि एक ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी पिछले दिनों में भी बनी है कि परम पूज्य गुरुदेव अपने भक्तों को पागल कहते हैं। पागल हम लोग नहीं कह रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव के लिए जो पागल है, सनातन के लिए जो पागल हैं, उन्हें वो पागल कहा जाता है। पागल का मतलब ये नहीं है कि वो मैड है, मैड अबाउट गुरुदेव। तो ये जो चीजें हैं वो परम पूज्य गुरुदेव को लेकर है, वो सनातन संस्कृति को लेकर जो पागल है हम उनकी बात कर रहे हैं। दीवाने को भी पागल कहते हैं, तो दीवाना होता है किसी चीज का तो पागल के शब्द ही इतना मदद करते हैं। आम भाषा है उनके पास, एक तरह बाबा के पागल हैं, बाबा के दीवाने, एक तरह बोलते जाता है। पटना में जैसे